हेलो इरेज, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए आज हम आपकी रीडिंग करेंगे मई के मंथ की। देखेंगे मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, हम सभी कुछ देखेंगे, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी, नंबर स्क्रीन पर दिया जा चुका है। तो चलिए वे स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव पापा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू। एरीज मेष राशि मई मंथ, ओके, okay, good. Letting go or traveling, ये दो कार्ड हम अलग से ले लेते हैं आपके लिए। ओके, ये एडिशनल कार्ड्स हैं, ये भी हम लेंगे। मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है मेन। थैंक यू एरीज मेष राशि मई मंथ। Expect powerful change. Okay. New moon eclipse. Okay. Goddess guidance से भी देख लेती हैं। Goddess हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं मई मंथ के लिए। Okay. Wow. माँ लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। हम आपके लिए ब्लेसिंग्स भी देखेंगे, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स भी निकाल लेते हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं एरीज के लिए इस महीने। ओके, वन टू एंट्री, एप्रिसिएशन, द थिंकिंग मैन, डोर टू रोमांस, ब्यूटिफुल, हीलर ऑफ द एजेस। ओके एरीज, तो मुझे इन कार्ड्स को देख करके ऐसा लगता है कि पास्ट में ना आपने अपनी तरफ से बहुत दिया है, बहुत दिया है, या अपना बेस्ट करके दिखाया है हर चीज़ में, ठीक है। तो अभी आपका टाइम है लेने का, ठीक है। अब आपको मिलने का टाइम आ गया है, अभी आपने जितना करना था वो कर लिया। अब आपकी जो विशेस हैं इस वीक, आपकी विशेस यहाँ पे मुझे फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई बर्डन हो सकता है, कोई किसी भी तरह की कोई विश हो सकती है जो आपने मांगी हो, चाहे वो कोई
बर्डन हो उतरता हुआ, या फिर आपका कोई गोल हो जिसे आप अचीव करना चाहते थे, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, या आप पे डिपेंड करता है क्या आपकी विश है। तो वो कुछ लोगों की मुझे विश इस मंथ में मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। और अगर आप लोग किसी डिसीज़न में स्टक थे, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहीं आप जगल कर रहे थे किन्हीं दो चीज़ों में या ज़्यादा चीज़ों में आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो ये मंथ है आपके लिए। ठीक है, आप ये इस मंथ वो फैसला ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, आप में वो पावर आ रही है। और यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, चाहे आप मैरिड हों या फिर या कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ये बेसिकली कोई भी पार्टनरशिप या रिलेशनशिप हो सकता है, मैं सिर्फ लव लाइफ की ही बात नहीं कर रही, डेफिनेटली लव लाइफ इंक्लूड है इसमें, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है अगर उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं ना माय डियर एरीज, तो उसको ना देखने का नज़रिया आपको बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है, अपने प्रोस्पेक्टिव को चेंज कीजिए। उस रिश्ते को देखने का नज़रिया बदलने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि एक अदर प्रोस्पेक्टिव से उस रिश्ते को देखिए, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट होती हुई दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपके रिलेशनशिप में वो हार्मनी आती हुई दिख रही है, वो बैलेंस आते हुए दिख रहा है विद दिस न्यू विज़न जो आप प्रोस्पेक्टिव चेंज कर रहे हो देखने का। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप है या कोई रिश्ता है या कोई पार्टनरशिप है आपकी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी या टूट चुकी थी, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, और अब उसमें एक नए सिरे से वो जान इस महीने में आती भी मुझे दिख रही है, बैलेंस आते हुए दिख रहा है। बेसिकली ये कोई भी पार्टनरशिप रिलेशनशिप आपकी मैरिड लाइफ या कुछ भी हो सकता है, या किसी के साथ भी आपका रिश्ता ये हो सकता है। और कुछ है जो कि आपको बर्डनड है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई भार है, कोई प्रेशर है किसी चीज़ का, वर्क का लोड हो सकता है जिस वजह से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर लेकर के आप चल रहे हो, वो चीज़ मुझे इस मंथ जो है डेफिनेटली वो होगी, लेकिन वो लेट गो होती हुई भी दिख रही है। ठीक है, मतलब मुझे इस मंथ के लास्ट तक, जो लास्ट वीक होगा, वो चीज़ मुझे ख़त्म होती हुई यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा बर्डन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा बर्डन में देख रही हूँ, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, आपके माइंड में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो या बहुत प्रेशर हो सकता है आप पर, बेसिकली वो चीज़ मुझे जाती हुई दिख रही है। और ये वीक, ये मंथ हो सकता है आपका, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ क्लैरिटी आपको इस ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकती है। ठीक है, कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ट्रैवल को लेकर के, शिफ्टिंग को लेकर के, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे जो भी है ना, लेटिंग गो की एनर्जी है, अगर कुछ भी ऐसा आपके माइंड में या आपके अंदर या आपके आसपास ऐसा है जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो सर्व नहीं करता है, उसे लेट गो कीजिए। जो रिश्ते नाते, खासकर जो भी, क्योंकि ये एट ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ठीक है, एट ऑफ कप्स की ऊर्जा वही बताती है दिल के मामलों को लेकर के, या जो इमोशनल लेवल पे जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, इस महीने आपको उन्हें लेट गो करना है। ठीक है, अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है तो ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ट्रैवल के लिहाज से, खासकर वर्क एरिया को लेकर के या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप के लिहाज से अगर आप लोग कहीं ट्रैवल पर जाते हैं ये मंथ में, तो आपके बीच की दूरियां यहाँ पे मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दूरियाँ इन द सेंस कि एक अंडरस्टैंडिंग आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मंथ रहने वाला है, कुछ ना कुछ मैं जैसे कि कह रही हूँ विश आपकी पूरी हो रही है, तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ एक चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, जैसे कुछ ख़त्म हो रहा है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से अगर यहाँ पे माँ लक्ष्मी का भी मैसेज है आपके लिए, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, ब्राइट फ्यूचर, तो यहाँ पे अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर के किसी लेवल पर भी अगर आप स्टक हो या फिक्रमंद हो, तो आपको माँ लक्ष्मी की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको मतलब दुखी होने की या फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सब कुछ धीरे धीरे एक मतलब तरीके से जो है चीज़ें बेटर हो रही हैं। ठीक है, चीज़ें जो हैं सेटल की जा रही हैं, आप आगे ग्रो कर रहे हो, आपकी तरफ अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो यहाँ पे एप्रिसिएशन का भी मैसेज है, और यहाँ पे जिस तरीके से
यहाँ पे जिस तरीके से आपके लिए आपके जो ब्लेसिंग्स के कार्ड्स आए हैं, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं इस मंथ के लिए, द थिंकिंग मैन, कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। बेसिकली ये थिंकिंग मैन, मुझे एक क्लैरिटी मिल रही है, जैसे आपको किसी चीज़ में, कोई रिलेशनशिप है या आपके लाइफ का कोई एरिया है जो बहुत ज़्यादा फॉगी है, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। या और अगर कहीं कोई स्टकनेस थी किसी रिश्ते में, तो वो कंप्लीट, मतलब उसमें एक क्लैरिटी मिल करके एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पे मैसेज मिलने वाला है, क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलेगी। अभी तक जितने भी डाउट्स आपको रहे हैं, अभी वो आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है किसी पर्सन के साथ, या फिर आपकी लाइफ का कोई एरिया हो सकता है, वर्क एरिया हो सकता है, कोई भी एरिया हो सकता है, बेसिकली मुझे यहाँ पे क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको विद थिंकिंग मैन। यस। और डोर टू रोमांस, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए न्यू रोमांस यहाँ पे आता हुआ, कोई न्यू पर्सन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, रोमांस मुझे दिख रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई पर्सन हो सकता है कमिंग हो, क्योंकि यहाँ पे डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, ठीक है, उनकी लाइफ जैसे कि मैं बोल रही थी आपको अपग्रेड हो रही है, बैलेंस आ रहा है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर कुछ इश्यूज हैं आपके रिलेशनशिप में, जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उनको देखने का नज़रिया बदलिए, सामने वाले की तरफ, मतलब उसकी तरफ हो करके उस रिश्ते को देखने की आप कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आप बेहतरी पाएंगे, ठीक है, या फिर आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और हीलर ऑफ द एजेस है, डेफिनेटली आपके जो पुराने वुंड्स हैं या जो भी आपके मैं कहूँगी बुरी चीज़ें, या फिर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, या जो भी हार्ट एक्स हैं, या जो भी आपके पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल जो भी इश्यूज हैं, वो सब इस मंथ मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 नंबर की ऊर्जा है, 6-6 की ऊर्जा है, बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मनी पीस मुझे इस महीने आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इस वीक आपकी कोई ना कोई विश है, आपकी जो पूरी होने वाली है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, किसी बर्डन को आप रिलीज़ कर रहे हो, किसी बर्डन को, या तो किसी ऐसे पर्सन से आप रिलीज़ हो रहे हो जो आप पे बहुत ज़्यादा एरीज, मतलब जिसने जो आपको चला रहा है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। जैसे आप कठपुतली हैं, कठपुतली की तरह चलाना, कुछ ऐसी ऊर्जा भी मुझे आ रही है, किसी ऐसे पर्सन से फ्री होना, या किसी ऐसे बर्डन से जिसमें आप बहुत दबा हुआ अपने आप को फील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं, चाहे वो कोई वर्क एरिया हो, रिलेशनशिप हो, बॉस हो, वो चीज़ मुझे, उस चीज़ से आप फ्री होते हुए, फ्रीडम मुझे यहाँ पे दिख रही है, फ्री फ्रीडम मुझे यहाँ पे दिख रही है बेसिकली। या चलिए आपके लिए एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम देख लेते हैं। ओ माय गॉड बहुत बड़े कार्ड्स हैं ये, तो इनमें से आपके लिए देख लेते हैं आपके लिए कौन सा एरिया इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस मंथ में, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। एरीज, मेष राशि, मे मंथ, ओके, 1 का प्लीज, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। एक तो है वीनस, ओके, वीनस जो है वो आपकी लव का, रोमांस का ही कार्ड माना जाता है, तो आपके लिए ये जो मंथ है लव लाइफ को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके जो भी, जिन लोगों की लाइफ में प्यार की कमी थी, वो मुझे आते हुए दिख रही है विद द डोर टू रोमांस, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी मींस कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, आपको अपना कप ऑफर कर सकता है। और यहाँ पे जेमिनी की ऊर्जा है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए इस महीने, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, जैसे मैंने आपको बोला था, ट्रैवल हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है आपको मिले, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई लाइफ का एरिया या कोई पार्टनरशिप या फिर कोई रिलेशनशिप आपका ऐसा है जिसमें आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वह ये आपका वर्क एरिया भी हो सकता है माय डियर एरीज, ठीक है। तो जहाँ इश्यूज चल रहे हैं ना, जिस भी एरिया में आपके इश्यूज चल रहे हैं ना, उसको देखने का थोड़ा अपना नज़रिया यहाँ पे शिफ्ट करो, ठीक है।
ठीक है, डेफिनेटली उसमें आप प्रोग्रेस पाओगे, बेहतरी पाओगे. ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है इस वीक. और कम्युनिकेशन यहाँ पे क्लियर रखना इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, मैसेज आपकी तरफ आ सकता है. ठीक है, तो यस, ये थी एरीज आपकी रीडिंग मे मंथ की. आई होप आपके लिए यूजफुल रही हो. अगर रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और अपने थॉट्स शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.